सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हरदी चुन्ना लगवा लें हैं, कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है? तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है, बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? देश हम हैं, देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है, और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, और आपने शिक्षा की हालत क्या की है? आप लगातार शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार क्यों कम कर रहे हैं? शिक्षा का बजट आप लगातार इसलिए कम कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं, क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछने लगेगा, और जब सवाल पूछने लगेगा तो नागरिक बन जाएगा, और जब देश में रहने वाले लोग नागरिक बन जाते हैं तो राजा होने का इनका गुमान चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार दोस्तों का, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बातचीत रखूँ उससे पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो भी लोग आ रहे थे बातचीत के लिए, सब लोग कन्नन गोपीनाथन जी को पूर्व आईएएस कह रहे थे। टेक्निकली वो पूर्व आईएएस नहीं है, वो अभी भी आईएएस ही हैं, क्योंकि सरकार ने उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। बड़ा कमाल देश है अपना। एक तरफ लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, लोगों को वैकेंसी नहीं देती है, और जो लोग नौकरी छोड़ करके सरकार से ऊब करके तंग आ करके इनकी नीतियों का विरोध करते हुए नौकरी इनकी मुंह पे मार देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं। या तो अपॉइंटमेंट भेज दो या रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। तो टेक्निकली वो आईएएस हैं, पूर्व आईएएस नहीं है। और हाँ, मैं पूर्व विद्यार्थी हूँ जेएनयू का, मैं अब जेएनयू का विद्यार्थी नहीं हूँ। मुझे जेएनयू से निकले हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो लोग जेएनयू के नाम से ही बुलाते हैं। इस संबंध में एक बात मैं आप तमाम लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ये वर्ष साहिर लुधियानवी साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है। साहिर लुधियानवी साहब के गाने बुजुर्ग से लेकर के आज के नौजवान तक गुनगुनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्यासा फिल्म देखा होगा, उसमें एक गाना है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गाने को आज भी अगर गाएंगे तो बहुत सारे बुजुर्ग जो है आपकी बर्तनी ठीक करने लगेंगे, बोलेंगे ठीक से नहीं गा रहे हो, इसमें ज का उच्चारण ठीक से नहीं लिया गया है। साहिर साहब की और कई मशहूर नज़में हैं, बहुत सारी गीत उन्होंने लिखे हैं। एक गाना और बहुत मशहूर है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। ये साहिर साहब का जन्म शताब्दी वर्ष है, और साहिर साहब का नाम मैं इसलिए यहाँ ले रहा हूँ कि साहिर लुधियानवी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो एएसएफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो साथी हैं, मैं उनको यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके कंधे पे ये जो झंडा है ये कोई मामूली झंडा नहीं है। आपने अपने हाथ में जो विरासत लिया है वो विरासत कोई मामूली विरासत नहीं है। मुझे जब पूर्व जेएनयू स्टूडेंट कहा जाता है
और जब मैं शाहिद साहब का जिक्र कर रहा हूँ तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाहिद लुधियानवी साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था, आज उनकी सबसे बड़ी मूर्ति उसी कॉलेज में लगी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में। इंसान की पहचान किसी चीज़ से जुड़ जाती है, चाहे वो उस संस्थान का हिस्सा ना रहे लेकिन यह उसकी पहचान बनी रहती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे आज भी JNU का पूर्व विद्यार्थी कहा जाता है। इस बात पर मैं गर्व करता हूँ और इस बात पर मैं इसलिए गर्व करता हूँ कि मुझे कई बार महसूस होता है देशद्रोही के आरोप झेलने वाले हम लोग इस देश के प्रथम समूह हैं। सीनियर हुए ना जी, नहीं आजकल तो किसी को भी कहा जाता है। दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। 2 दिन का बैंक का हड़ताल करने वाले बैंक कर्मियों को देशद्रोही कहा जाता है। कल को नौजवान अगर SSC में धांधली क्यों हुई है, SSC की बहाली क्यों नहीं हो रही है, परीक्षा का परिणाम क्यों नहीं निकल रहा है, उसको लेकर के सड़क पे उतरेंगे तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा। तो हम लोगों को तो सबसे पहले कहा गया है ना, सीनियर स्टूडेंट है ना हम लोग इस मामले में। हम तब भी यही बात कहते थे और इसीलिए हमने साहिब साहब का जिक्र किया कि जिस गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से उनको निलंबित किया गया था आज वहां उनकी सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। हम तब भी यह बात कह रहे थे कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से इस बात के लिए नहीं है कि आप हमको क्या दे रहे हैं, हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि आप देश को क्या दे रहे हैं और आप देश को कहां लेकर के जा रहे हैं। बहुत ठीक कहा कर्नल साहब ने, प्रजा हैं कि नागरिक हैं, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर नागरिक हैं तो सरकार को हमको कुछ नहीं देगी। सरकार कौन होती है? 8,500 करोड़ का विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री के लिए, उनका बाप का पैसा है। किसका पैसा है? किसका पैसा है बताइए? देश की जनता का पैसा है ना। जबरदस्ती 56 इंच का छाती चौड़ा करके घूम रहे हो जी, अब बेवकूफ समझते हो उन लोगों को। क्या है, बिहार के लोग अल्हुआ जरूर खाते हैं, आलू जरूर खाते हैं, बुड़बक नहीं है। बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा, ये वो धरती है जहां पे शंकराचार्य को भी मंडन मिश्र ने परास्त किया था, ये वो बिहार की धरती है। ये वो धरती है जहां दशरथ मांझी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके रास्ता बना दिए थे, ये वो धरती है। ये याद रखिएगा कि ये हमारी परिस्थिति है कि रोजी रोजगार के लिए, इलाज के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए हमको दूसरे राज्यों में जाकर के काम करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत का आवाम हैं। अगर हम आपका गंदगी उठा करके आपका घर चमका सकते हैं, आपके दफ्तर को सुंदर बना सकते हैं, आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो कान पकड़ करके गद्दी से नीचे भी उतार सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि चिड़िया जब आकाश में उड़ती है ना तो उसको लगता है कि हम ऊपर से दुनिया देख रहे हैं, लेकिन चिड़िया ये महसूस नहीं करती है कि नीचे खड़े लोग भी चिड़िया को उड़ते हुए देख रहे होते हैं। क्या कहते थे ये, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। ठीक है, मान लेते हैं इस देश की सबसे बड़ी समस्या है परिवारवाद। बेबी शाह को BCCI का सेक्रेटरी कैसे बनाया गया है, ये परिवारवाद है कि नहीं है? और यही बात मैं घूम घूम करके पूछता था जब मैं पिछली बार सिवान आया था स्टेडियम में भाषण देने के लिए, तो रास्ते में कुछ लोग हम पर पत्थर फेंका था, पत्थर बने फूल। वो पत्थर हमारे लिए फूल है और तुम बेवकूफ वाला फूल हो। कैसे कि तुम फेंक रहे हो पत्थर,
तुम्हारे हाथ में जिम्मेवारी दे दिया है कि सरकार से जो लोग सवाल पूछे उसको देशद्रोही बता करके उसके ऊपर पत्थर मारो। पत्थर अगर नहीं पहुंच रहा है तो फेसबुक पर जाकर के गाली दो, ट्विटर पर जाकर के गाली दो, यूट्यूब पर जाकर के गाली दो। दो हमको गाली देने से 2 करोड़ नौकरी मिलेगा? नहीं, नहीं। अगर ऐसा है तो मैं रोज भोरे भोर फेसबुक लाइव पे आ जाऊंगा और देश के सभी नौजवानों को कहूंगा कि भरपूर आप हमारे साथ पुश्त को गाली दीजिए अगर आपको नौकरी मिल जाए तो। मिल जाएगा क्या? दूसरे से नफरत करके हमारे जीवन में प्रेम का प्रवाह नहीं होने वाला है। दूसरे को गाली दे देने से हम सम्मानित नहीं हो जाएंगे और हमारे ऊपर पत्थर फेंकने के लिए अनपेड लेबर है, पैसा भी नहीं मिला होगा उसको। नेताजी कहे होंगे 5-500 रुपया देंगे तेल भरवा लेना, अब तो 500 रुपया में आधा टंकी तेल भी नहीं होगा। क्या 500 रुपये में आधा टंकी तेल होगा? 5-500 रुपया हम कहेंगे तेल भरवा लेंगे, अब पत्थर ले लो, पत्थर फेंक देना, उसके बाद तुम देशभक्त हो जाओगे। बाबू रे, ये देशभक्ति नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो तुमको ये सवाल इस सरकार से पूछना चाहिए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे बेची जा रही है। बताइए, लिखा जाता था ना, पटना जंक्शन पे लिखा हुआ होगा, सिवान स्टेशन पर भी लिखा हुआ होगा कि रेल राष्ट्र की संपत्ति है। तो जो सरकार रेलवे को बेच रहा है वो देशद्रोही है कि हम सवाल पूछने वाले देशद्रोही हैं? इस पे आप हमको विचार करके बताइए, कैसा राष्ट्रवाद है भाई? राष्ट्रीय संपत्ति को निपटाए जा रहे हैं और जो सवाल पूछता है, हम तब भी कहते थे देखिए हम आपका नमक खाए हैं, आपके टैक्स के पैसा से हम पढ़ते हैं और जो ज्ञान हमको मिला है उसके आधार पे हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि ये साहब वादा किए थे आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, वादा किए थे हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का, वादा किए थे अच्छा दिन लेकर के आने का, अब बना दिए हैं अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी, हमको दे दिए हैं पत्थर कि तुम पत्थर चलाओ, अब बेटा को दे दिए हैं BCCI, उसको दे दिए हैं IPL कि तुम IPL खेलवाओ। 1 साल में 2 IPL हो रहा है, BPSC का बहाली टाइम पे नहीं निकलता है, 6-7 बार का BPSC का बहाली 1 बार में निकलता है, लेकिन IPL लेट नहीं होना चाहिए। अब ये देखे थे ना IPL, बिना दर्शकों का हुआ हुआ होता था, स्टेडियम में दर्शक नहीं था, पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज सेट कर दिया था जनता का चिल्लाने का। अब फिर हो रहा है, IPL टाइम पर होगा, SSC का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, BPSC का एग्जाम टाइम पर नहीं होगा, रेलवे का बहाली टाइम पर नहीं होगा। और रेल तो अद्भुत है, कल परसों एक वीडियो देख रहे थे, उल्टा ही रेल चल रहा था। बताइए, जिनसे रेल नहीं संभल रहा है वो देश का खाक संभालेंगे? वो देश क्या संभालेंगे? लेकिन उनका जो प्रचार है वो प्रचार बड़ा लाजवाब है। अब प्रचार की ताकत तो होती है, प्रचार की ताकत तो ऐसी होती है कि बार बार अगर कोई बात आपको कही जाएगी तो आप मान लीजिएगा, हम कहेंगे तो नहीं मानिएगा, हेमा मालिन कहेंगी तो मानिएगा क्या? सिपाही जी नहीं मानिएगा, हेमा मालिन कहती है कि केंट देता है शुद्ध पानी तो घर में केंट लगा लेते हैं, हेमा मालिन कह रही है ना, कोई कन्हैया कुमार कह रहा है कि नहीं लगाएंगे? हेमा मालिन बोली है ड्रीम गर्ल, तो लगा लेंगे केंट का पानी, शुद्ध देगा। शुद्ध है कि नहीं है ये मालूम नहीं है, कोई आकर के कह दिया ठंडा मतलब कोका कोला पिए जा रहे हैं, अम्मा कह रही है कि बेटा छाछ पी लो, लस्सी पी लो, तो लस्सी पिएंगे जी, उसमें क्या है, कोका कोला पिएंगे तो जो है
काहे कि कोहली बोला है कि कोका कोला पी लीजिए, कोहली बोल रहा है ना, तो पी लेंगे। प्रचार में ताकत तो होती है, नहीं होती है, है? आप में से कितना लोग खेड़न लवली लगाए हैं, लगाए हैं ना, मुंह गोड़ा हुआ। प्रचार में ताकत होती है। तो इस देश में हमने एक ऐसा सरकार चुना, वो घड़ी डिटर्जेंट की तरह नहीं है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा नहीं। प्रचार पे हमने एक सरकार चुन दिया है, प्रचार पे कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि उस प्रचार की हकीकत क्या है। क्या सच में फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है? सच में ठंडा मतलब कोका कोला होता है? सच में केंट शुद्ध पानी देता है? इस बात की पड़ताल किए बिना, इस बात की तफ्तीश किए बिना हम उस बात को मान लिए हैं, जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार है तो हिंदू हित जो है उसको साधा जाएगा। बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है, हिंदुओं का हित अगर साधा जाए तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक बात हमको बताइए, रेलवे बिक जाएगा, रेलवे की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है? सोचिएगा जरा। अगर एसएससी एग्जाम नहीं लेती है, एसएससी परीक्षा नहीं लेती है, परीक्षा लेकर के परिणाम नहीं देती है, परिणाम दे देने के बाद नौकरी नहीं देती है, और नौकरी का रिजल्ट आ जाने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करवाती है, इसमें हिंदुओं का हित है कि अहित है? देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को अगर बेच दिया जाता है, औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, इसमें हित है कि अहित है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? ये कभी कभी हमारे घर में भी ये इस्तेमाल किया जाता था। जैसे बच्चा अगर किसी बात के लिए जिद कर रहा हो तो उस बच्चे को बहलाने के लिए अलग अलग तरीके के नुस्खे अपनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा को भूख लग गया है, वो अपनी माँ को कह रहा है कि मम्मी बिस्कुट दे दो, ठीक है, तो मम्मी उसको उठा करके अलमारी पे बिठा देगी। तो बच्चा बिस्कुट मांगेगा, कहेगा कि मम्मी नीचे उतार दो, कहेगा बच्चा नीचे उतार दो, बिस्कुट मांगना बंद कर देगा। इस देश की जनता अपने सवालों पर पहुंचे, अपने सवालों पे हम विचार कर सकें, उससे पहले ही एक नया सगुफा छोड़ दिया जाता है। आज हमसे सिवान के एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम बोले इसका क्या मतलब है, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि मोदी जी माथा मुड़वा लें कि आधा माथा मुड़वा लें, उसमें हरदी चुन्ना लगवा लें, हैं कि भौवा मुड़वा लें किसी दिन, वो इससे देश को क्या लेना देना है? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी उसी हिसाब से इस देश में रोजगार के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे? ऐसा है क्या कि जैसे उनकी दाढ़ी बढ़ेगी वैसे ही आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी? इसका क्या मतलब है? मोदी जी मोर को खाना खिलाते हैं, मोदी जी सुग्गा को अपने हाथ पे टहलाते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? ये देश का मुद्दा है क्या? फिर हमको लगता है कि धीरे 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 हमको इसकी आदत लगाई जाती है। जो बात पहले अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था कि किस हीरोइन का किस हीरो के साथ चक्कर चल रहा है, ये अखबार के आखिरी पन्ने पे हुआ करता था, वो आखिरी पन्ने का खबर देश के अखबार के पहले पन्ने पे पहुंच गया, और जो खबर को अखबार के पहले पन्ने पे होना चाहिए था वो खबर को अखबार से गायब कर दिया गया है। आपको खबर है क्या कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपके शहर के साथ क्या हो रहा है? मैं जब आ रहा था तो हम और कन्नन साहब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि जहां भी जा रहे थे ना तो एक बड़ा सा सीमेंट का टुकड़ा रोड के बीच में रखा हुआ है,
तो हमको पूछे कि इसका क्या मतलब है, हम बोले हमको भी नहीं पता है कि इसका क्या मतलब है। तो एक लड़का जो गाड़ी में था वो बोला कि सर ये तो कुछ नहीं है, लोग तो सड़क पे गेहूं सुखाते हैं। तो कन्नन बोले कि गेहूं सुखाता है चलो वो तो कोई काम है, लेकिन ये सीमेंट का टुकड़ा आपके रोड पे पड़ा हुआ है इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि नहीं है? सिवान के कई सड़कों पे आप घूम करके देखिए तो सीमेंट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मेन हॉल खुला हुआ है, गटर में पानी पास नहीं कर रहा है, बिजली 24 घंटे नहीं आती है, इंटरनेट आधा घंटा स्पीड से चलता है बुलेट ट्रेन से, आधा घंटा के बाद EMU बन जाता है। ये आपके साथ रोज हो गया है। इस सवाल से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन की जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस बात से आपको दूर कर दिया गया है। और आप किसमें चर्चा कर रहे हैं? दीदी बंगाल जीतेगी। अरे दीदी बंगाल जीतेगी कि हार जाएगी? आपको नौकरी मिलेगी? आपका सेशन जो चार तीन साल का सेशन 5 साल में होता है वो 3 साल में सेशन हो जाएगा? आपके यहाँ जो लाइसेंस बनवाने में घूस लिया जा रहा है वो घूस मिलना बंद हो जाएगा? आपके यहाँ के लोग जो घर परिवार छोड़ करके दूसरे देश में जा करके काम करते हैं ये माइग्रेशन रुक जाएगा? आपके यहाँ के किसानों को जो फसल का दाम नहीं मिलता उनको फसल का दाम मिलने लगेगा? सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं मिलता ये पेंशन चालू हो जाएगा? आपकी जीवन की जो अपनी वास्तविकता है उससे आपको दूर कर दिया गया है। और दूर की कोई घटना जिसका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है उसमें आपको उलझा दिया गया है। एक बात बताइए हमको, ये जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, ये जो मंदिर मस्जिद का रगड़ा है, ये जो जात पात की लड़ाई है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। बचपन में पढ़े थे हम लोग स्कूल में कि एक सेठ बीमार था और उस सेठ के 4 बच्चे थे। चारों बच्चे आपस में लड़ते रहते थे। सेठ को इस बात की चिंता थी कि मेरे मरने के बाद ये चारों भाई आपस में लड़ेंगे और सारा संपत्ति जो हमने मेहनत से कमाया है उसको ये बर्बाद कर देंगे। वो सेठ बेड पे पड़ा हुआ था और एक दिन अपने चारों बच्चों को बुलाया और चारों को 4 लकड़ियों का एक गट्ठर दिया, बारी बारी से कहा तोड़ करके दिखाओ। कोई भाई उसको तोड़ नहीं पाया। फिर उस लकड़ी को एक एक करके दिया, सबने उसको तोड़ दिया। वह यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस देश के जो आम लोग हैं, बोलिए समाज में ज्यादा गरीब लोग हैं कि अमीर लोग हैं? बॉर्डर पर गरीब का बच्चा मरता है कि मंत्री जी का बच्चा मरता है? किसान खेत में जो आप आत्महत्या कर रहे हैं वो गरीब है कि अमीर है? सरकार को वोट देने वाला लोग गरीब है कि अमीर है? तो ऐसा कैसे हो रहा है? हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही सरकार चुन रहे हैं और हमारे साथ ही सारी समस्या हो रही है। कभी तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए ना कि भाई हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी अगर मिल भी जाए तो हमको पेंशन नहीं मिलेगा। और जिस MLA को आप वोट देते हैं ना, अगर वो एक बार MLA बन गया है तो उनको जीवन भर पेंशन मिलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिपाही जी कि मैंने विधायक को पेंशन मिलेगा आपको पेंशन नहीं मिलेगा, बैंक में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, रेलवे में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा लेकिन मंत्री जी को पेंशन मिलेगा? ये बेईमानी है कि नहीं है? है ना? अरे बोलिए ना, डरते क्या हैं? वेतन थोड़ी बंद कर देगा सरकार, ये बेईमानी है ना? हो तो बेईमान को बेईमान कहना गलत बात है, बेईमान को बेईमान कहना पड़ेगा ना। अब बेईमान को बेईमान कहते हैं तो कहते हैं कि आप देश की आलोचना करते हैं। चुप लुच्चा, तुम देश कब से हो गया जी? देश हम हैं, देश में रहने वाले जो 135 करोड़ लोग हैं उनसे देश बनता है और उनके हक और अधिकार की बात करना ही देश की बात होती है। मन की बात, अपने मन की बात, हमारे काम की बात कब होगी?
इस देश के आम आवाम की बात कब होगी? इस देश में जो शिक्षा की हालात पैदा की गई है उस पर सवाल कब खड़ा किया जाएगा? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कि जब राष्ट्रपति जी का वोट एक और जूता सिलने वाला का वोट एक, फॉर्चूनर पर चलने वाला का वोट एक, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला का वोट एक और एवन साइकिल पर घूमने वाला का वोट एक, जब इस देश के संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है तो ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान सबको शिक्षा एक समान, ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे? ये बात हम क्यों नहीं बोलेंगे कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के नागरिकों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और देश के नागरिक कैसे मजबूत होते हैं? देश के नागरिक जिम जाने से खाली मजबूत होंगे? 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं, 21वीं सदी को कहते हैं कि ये तकनीकी युग है, ये सूचना क्रांति का युग है। इस सूचना क्रांति के युग में शरीर से सिर्फ ताकत नहीं होता है। 56 इंच आपका है कि नहीं है, हम इंची टेप लेकर के नापने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन आपका ऊपर का महल खाली है, ये बात हम जरूर समझ गए हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देश की मजबूती देश के लोगों से होगी, और देश के लोग कैसे मजबूत होंगे? जब उनको पढ़ने की व्यवस्था दी जाएगी, जब उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। एक बड़े विद्वान ने लिखा कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। भगत सिंह ने लिखा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते हैं, विचारों की शान की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल वेपन विच यू कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। किसी भी समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, और आपने शिक्षा की हालत क्या की है? आप लगातार शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं। शिक्षा का बजट आप लगातार क्यों कम कर रहे हैं? शिक्षा का बजट आप लगातार इसलिए कम कर रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा होना बंद हो जाएं, क्योंकि जब पढ़ लिख लेगा तो सवाल पूछने लगेगा, और जब सवाल पूछने लगेगा तो नागरिक बन जाएगा, और जब देश में रहने वाले लोग नागरिक बन जाते हैं तो राजा होने का इनका गुमान चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और आज जो गुलामी की जंजीर है वो दिखती नहीं है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि हाथी के बच्चा को पकड़ लेते हैं और उसके पैर में एक जंजीर डाल देते हैं। हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस जंजीर को वो तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि वो जंजीर वो तोड़ नहीं सकता। एक दिन हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, हाथी हाथी हो जाता है, जंजीर छोटा हो जाता है, फिर भी उसके पांव उस जंजीर में जकड़े रहते हैं, क्योंकि बचपन में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वो जंजीर नहीं तोड़ सकता है। हम हाथी का बच्चा हैं, हम मनुष्य का बच्चा हैं, हम मनुष्य का बच्चा हैं, हम सोच सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सवाल खड़ा कर सकते हैं, और अपने सवालों पर लोगों को संगठित कर सकते हैं, और लोगों को संगठित करके हमारे हक और अधिकार को जो छीनने वाली सत्ता है, जो शक्ति है, उसको हरा सकते हैं, और भगत सिंह के सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा मनुष्य होने का ताकत होता है। इसीलिए मैं आप तमाम विद्यार्थियों को जो इस प्रतिनिधि सेशन में आगे चल करके हिस्सा लेंगे, उनसे मैं ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि एक गंभीर दौर से हमारा देश गुजर रहा है। इस गंभीर दौर में हमको इस बात को समझना होगा कि आज के डेट में हमको इस देश में नागरिकों के अधिकार को बचाने की ज़रूरत है, नागरिक होने के उस एहसास को बचाने की ज़रूरत है। और यह जो भारत भूमि है, जहाँ पर एक से एक विभूतियों ने जन्म लिया है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को याद करते हुए इस वर्तमान में संघर्ष करके न्याय और बराबरी के लिए लड़ करके हमको बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। बोलिए साथियों, आपने जो इस ASF का झंडा उठाया है, आप बेहतर भारत के निर्माण के लिए संघर्षरत हैं कि नहीं हैं? आप इसको लेकर के आगे चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं? जब चलना चाहते हैं तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यह लड़ाई गंभीर है,
इस लड़ाई में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जब आप ताकतवर लोगों के सामने सवाल खड़ा करेंगे तो आपको विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमको सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमको बराबरी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपने दिमाग का, अपनी तर्क शक्ति का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे मित्र जो भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, वो आजकल आ करके हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बात पहले हमको ठीक नहीं लगती थी, अब ठीक लगती है। तो हम बोले कि हमारी बात तुमको पहले ठीक क्यों नहीं लगती थी, तो बोला कि तुम जब बोलते थे ना तो मेरी भावना आहत हो जाती थी। हम बोले हम समझते हैं दोस्त, दिल है तुम्हारा पर तुमने दे दिया है इसको एक झूठे को, वो झूठा वादा करके तुम्हारे दिल को चुरा लिया है, तुमने दिल उसको दे दिया है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्यार का हम सम्मान करते हैं, क्यों कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो परी का क्या करें, दे दिए दिल, कोई बात नहीं है, दिल का हम सम्मान करते हैं। माँ बाप भी जब कहते हैं ना पढ़ लो, समय बर्बाद मत करो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहो, तो हम लोग भी कहाँ मानते हैं, दिल का मामला है। लेकिन आपके पास सिर्फ एक दिल ही नहीं होता है, एक दिमाग भी होता है। दिल आप दे दिए हैं कोई बात नहीं है, दिमाग से हर बार आप इस बात को सोचिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है, समाज किस ओर जा रहा है और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आप इस बात को सोचिएगा कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर को आपके पूर्वजों ने बनाया है, जिस बगीचे का आप आम खाते हैं उसके पेड़ को आपके पूर्वजों ने लगाया है, उनके बनाए घर में आप रहते हैं, उनके लगाए पेड़ का आप फल खाते हैं, उसको खाते हुए सोचिएगा कि वो अगर ये नहीं करते तो हमको नहीं मिलता। अगर इस देश में, आजाद देश में, अगर हम आजादी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और गुलामी की मानसिकता को हराना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठी भींच करके आजाद देश में हमको आजादी की वकालत करनी होगी, इस आजादी को हमको बचाना होगा। और इस आजादी को बचाते हुए हमको इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेहतर देश का निर्माण बेहतर नागरिकों से होता है और बेहतर नागरिक होने का मतलब ये है कि हम अपने हक और अधिकार को समझें और अपने हक और अधिकार को समझ करके तमाम लोगों के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। उससे आप मजबूत होंगे, आपका समाज मजबूत होगा, आपका राज्य मजबूत होगा और मजबूत समाज मजबूत राज्य से मजबूत देश का निर्माण होगा। इन्हीं सपनों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।